सब्सक्राइब करें बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं बी विस्टर, खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हां, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की फायदेमंद खबर आपके लिए क्या है। जो आज की फायदेमंद खबर है उसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सारा का सारा पैसा सरकार की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको उसका लाभ उठाना है। और उस स्कीम का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जन औषधि योजना। जी हां, भारतीय जन औषधि योजना क्या है, कैसे काम करती है, इसका क्या फायदा होने वाला है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, आज वो मैं आपको सब बताने वाला हूं। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर कोई भी बेरोजगार जो फार्मासिस्ट हो या डॉक्टर हो या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा, जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जो तीसरी कैटेगरी है उसके अंदर ऐसी कोई भी एजेंसी जो कि राज्य सरकारों के द्वारा चुनी जाएगी यानी कि नॉमिनेट की जाएगी वो इसके लिए अप्लाई कर सकती। अब समझते हैं आपको इसमें कैसे फायदा होगा यानी कि कितनी इनकम होगी आपको पर मंथ। मान लीजिए आपने एक महीने में करीबन 1 लाख की मेडिसिंस यानी कि दवाइयां जो आपने बेची, 20% आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा प्लस इंसेंटिव्स, करीबन 30,000 रुपये तक आपको उसके अंदर मुनाफा होगा एक महीने का। जी हाँ, जितनी ज्यादा आप दवाइयां बेचेंगे, मान लीजिए आपने 2 लाख की बेची तो आपको दो लाख की दवाइयों पर 20% कमीशन प्लस इंसेंटिव्स मिला के आपको उसके ऊपर फायदा मिलेगा। जी हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसके लिए सरकार आपको क्या फायदा दे रही है, मतलब कि अब आपको ये पता लग गया कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है या कितनी इनकम इसमें हो सकती है। ये समझते हैं कि सरकार आपको किस तरह से इसके अंदर फायदा देगी। तो सबसे पहले आपकी कोई भी दुकान जो करीबन 120 वर्ग फुट एरिया जो है कवर करे, दूसरा इसके अंदर 650 दवाइयां प्लस 150 उपकरण जो कि इक्विपमेंट्स होंगे आप इसके अंदर जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि आप बेच सकते हैं, साथ ही साथ करीबन 2.5 लाख रुपए आपको इस जो केंद्र को जो है ओपन करने के लिए पैसा चाहिए होगा, सारा का सारा पैसा 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। आपको अपनी तरफ से कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें कि जो रैक्स होते हैं या डेस्क होते हैं या कंप्यूटर कह लीजिए या फर्नीचर कह लीजिए, ये सारा पैसा इसके लिए सारा पैसा सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। अब समझते हैं इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, आपको ये वेबसाइट जो है गूगल में सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपको जो पेज दिखाई देगा वहां पर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसको भरना है। भरने के बाद एक एड्रेस पे आपको उसको भेजना है जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो एनवेलप होगा यानी कि जिसके अंदर वो लेटर आप डालेंगे वो पूरी तरह से पैक्ड होना चाहिए यानी कि सील बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये कॉन्फिडेंशियल है। और आप जिस एड्रेस पे इसको भेजेंगे वो एड्रेस आपको जैसा कि मैंने बता दिया है, साथ ही साथ इसके लिए टोल फ्री नंबर भी नीचे दिया गया है, आप उस टोल फ्री नंबर पर भी जाकर जो है इसके लिए और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइमिंग आपको पता है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM।
सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।